अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं निदा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी गाढ़ी दही, जिस तरह की मार्केट में हमें पैकेट्स में अवेलेबल होती है दही जिसमें बिल्कुल पानी नहीं होता। तो मैं आपको आज गाढ़ी बाज़ार जैसी दही जमाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें सिर्फ दो से तीन चीज़ें चाहिए, वो जो मैं आपको बता देती हूँ। हमने लिया है एक कप, मेरे पास है दूध जो कि फुल क्रीम दूध आपने लेना है। दही मैंने लिए हैं 2 से 2.5 टेबल स्पून और एक हमें चाहिए होगी हरी मिर्च। सबसे पहले हम दूध को पतीली में डाल के थोड़ा सा गर्म करेंगे, यानी जो ल्यूक वार्म होता है उतना हमने इसको गर्म करना है। ये दूध एक दफ़ा हम उबाल चुके हैं, वह ये उबला हुआ दूध है। इसको अब हम हल्का सा ठंडा करने के बाद हल्का सा इसको कोसा करेंगे दही जमाने के लिए। दूध हमारा जो है वो कोसा हो गया। हम दही जमाने के लिए जो है मिट्टी का बर्तन यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें सबसे अच्छी दही जमती है। पर अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप इसको स्टील में भी जमा सकते हैं। तो ये हम दूध जो है, जो हल्का सा कोसा हमने किया था, तो हम मिट्टी की हांडी में डालेंगे और ये जो दही है इसको हम एक दफ़ा अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। अच्छा से इसको फेंटने के बाद हम इसको दूध के अंदर शामिल करेंगे। हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल एक जैसी हो जाए हमारी दही। और अब हम इसके अंदर ये जो हरी मिर्च है ये डाल देंगे और हम इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए किसी ऐसी जगह पे स्टोर करेंगे जो जगह हम ज़्यादा खुलती भी ना हो और जो कि गर्म हो। और ऐसी किसी कैबिनेट में इसको मत रखिएगा जिस जो बार बार ओपन हो, उससे ये होगा कि आपकी दही जो है वो जल्दी नहीं जमेगी। तो अगर आपको दही जल्दी जमानी है तो इसको किसी ऐसी जगह पर स्टोर करें जहाँ पर थोड़ी सी गर्मी हो या वो कैबिनेट जो बार बार ना खुलती हो। तो मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए जो है जमने के लिए रख दूँगी। दही को 3 से 4 घंटे रखने के बाद अब हम इसको खोल के चेक करेंगे। ये आप देखें ये कितनी गाढ़ी बिल्कुल बाज़ार जैसी दही जमी है और बिल्कुल वाटरी नहीं है इसके अंदर। ये देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी नहीं है, कुछ नहीं है और बिल्कुल ये जैसे मार्केट में हमें दही मिलती है उस तरीके की दही जमी है। तो अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा मीठा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे प्लेन जो दही चाहिए थी तो मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर दही जमाने की, ये जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से ज़रूर दही जमाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप साथ ही साथ विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.onlyfoodie.com। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।